हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है निजुम गया ब्लॉग में। गाइस, इवनिंग को एक्चुअली मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी बारिश होने के कारण से क्या ही वीडियो बनाए ना, तो एक्चुअली हम शाम के वक्त से शुरू करेंगे। तो गाइस देखो, मैं यहाँ सुंगलू पुतुंग या जमीन जमा मैं यहाँ आ चुका हूँ। जो हमारा नया ज़मीन है वहाँ पर आया हूँ मैं, तो यहाँ भाई को भी दिखाने आया हूँ कि ज़मीन कैसा है। और यहाँ मैं कुछ फल उगाया था अनारस, तो उसे भी हम तोड़ेंगे। तो गाइस मैं आपके नज़ारा को दिखाता हूँ कि कैसा है। तो यहाँ काम भी कर रहा है, एक्चुअली ये नया नया कटा है ना, नया नया कटिंग किया है। तो गाइस देखो, काफ़ी जगह अच्छा है ना, दूर दूर से हर जगह पहाड़ी पहाड़ है। तो गाइस जो कपड़ा है इसे मैं स्कूटी में रख दूंगी। गाइस रास्ता भी काफ़ी ख़राब है, तो जबरदस्ती आए हैं हम यहाँ पे। ओह माय गॉड, देखो कितना गंदा हो गया है ना। तो गाइस मैंने कपड़ा भी रख दिया है, तो अंदर का टूर दिखाते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको एक कच्चा घर मिलेगा, ये रास्ता का बीच में ही, ये हमारा रास्ता होगा गाइस, ये रास्ता होगा। तो एक छोटा सा कच्चा घर है, देखो। एक्चुअली जो यहाँ रहते थे तो उन्होंने ये घर बनाया और ज़मीन का ख्याल रखा है ना। काफ़ी अंधेरा है, काफ़ी बड़ा है गाइस, पर यहाँ से थोड़ा दिखाई नहीं देगा। एक्चुअली रास्ता नहीं है ना गाइस, इसलिए कि जंगल जंगल। देखो छोटा छोटा नारस गच्छी। तो गाइस यहाँ एक मेमोरी भी है, तो नहीं आई करो चुतिया दिमाग लगा रहा है। तो गाइस देखो ये रहा हमारा अनारस, मुझे तो देखना नहीं आता है कि पका है ना पका नहीं है। तो गाइस नीचे में भी बहुत सारा, वहाँ दिखे और वहाँ में भी है और नीचे में भी बहुत सारा गच्ची है। तो गाइस वो हमारा मुद्री गच्ची भी हम देखेंगे कि मुद्री आया है कि नहीं, मेरा तो नहीं। तो हम गुआवा भी देखने जाएंगे अभी कि आया है कि नहीं। एक्चुअली ओ ये मुद्री गच्ची, ये क्या ये ना नहीं निकला है क्या, ये लड़का वाला है क्या? तो गाइस देखिए एक बार मैं आपको जूम कर देता हूँ क्योंकि यहाँ का रास्ता जो है काफी खराब है। ओह ठीक है, हम अभी नीचे जाएंगे क्योंकि रास्ता नहीं है ना। अगर मैं अकेली जाती हूँ तो मैं गिर जाऊंगी, इसलिए मैं इन्हों के साथ जाऊंगी। अगर मैं गिरती हूँ तो ये मुझे पकड़ेंगे। ऊपर फेंक दो, नहीं ऊपर मत फेंको, गिर जाएगा। आ ऊपर फेंक दो, फेंक दो। टूट गया क्या? नहीं तो वापस आया है ना। तो चलो बारिश भी आ रहा है, अनारस जितना पका ला को ढूंढ के निकलेगा। तो गाइस देखो ये घर दिखाई दे रहा होगा, ये देखो ये घर, और इतना खाई है यहाँ पे गाइस, यहाँ पे पूरा खाई है देखो। एक्चुअली एक बात में फ्यूचर में इसे पूरा कटिंग करके मैं प्लान कर दूंगी, प्लान करके। एक्चुअली यहाँ पे मेरा सोच था कि इसे हम बागान बनाएंगे, तो यहाँ पे निजुम की डेडी नहीं होने के कारण से मैं आ नहीं पाती हूँ, तो इसलिए मैंने नहीं किया। तो गाइस देखो यहाँ तोनी भी लगाया है, क्या लगाया है? हती मर्चा, हती मर्चा, किंग चिली, किंग चिली। इतना सुंदर से प्रेस प्रेस अभी मत ले जाना जब जाएगा बोलते समय को। तो गाइस देखो यहाँ तक है हमारा जमीन, वो नीचे तक है। तो ये है पुराना घर गाइस, तो इसी से अभी हम शॉर्ट कट जाएंगे क्योंकि चप्पल खराब स्लिप होने के कारण से पाँव को छोड़ दिया मैंने, चप्पल कीचड़ के कारण से काफ़ी स्लिप हो गए हैं ना इसलिए कि। तो गाइस मैं ये रास्ता पे चल नहीं पाऊंगी क्योंकि काफ़ी भयानक है मेरे लिए, इसलिए कि मैं धीरे धीरे जा रही हूँ। रास्ता तो देखो गाइस,
तो गाइस देखो हमारा जमीन काफी बड़ा है, जब इसे हम कटिंग कर देंगे तो और भी बड़ा हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये रास्ता को पार कर लेते हैं गाइस, काफी भयानक है, इसे हम बाद में अच्छी तरह रिपेयर करेंगे। तो गाइस देखो इतना सुंदर सा पपीता यहाँ उग गया है, तो यहाँ से एक लेके जाएंगे हम खाने के लिए। तो गाइस मौसम का हालत देखो काफी खराब होने को, ऐसे नहीं भी निकलेंगे अभी, तो वहाँ भाई भी अनारस को लेके आएंगे और साथ में गिरेगा पकड़ेगा रे अम्मा लगेगा रे ऐसे देखो। हम भी करब रेडी में रहेगा ना, गिर रहे बोले ऐसे दारे ये नहीं टूटेगा होगा तो गिरने दो ना नीचे में। यस ओ उसको अनारस को भी लेके आओ, दाल खाता ही नहीं, आदमी दिखने का तो खराब पड़ेगा। हम लोग सोच रहा होगा कौन आदमी है बोलिए। गाइस घर देखो काफी गाइस देखो ये पीछे क्या। तो गाइस देखो यहाँ अनारस तोड़ दिया और साथ में पपीता भी है, तो भाई जो है अभी मर्चा लेके आएंगे। तो टोनी यहाँ चेक कर रहा है क्योंकि जगह जगह मर्चा गच्छी है ना, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो गाइस हम भी अभी मर्चा लेके निकलेंगे क्योंकि मौसम काफी खराब है ना, तो शाम भी होने का, और ये जो सबसे टॉप सबसे ऊपर होने का कारण यहाँ हवा काफी तेज है गाइस, आप देख रहा होगा। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखो गच्छी भी हिल रहा है ना। सबसे तेज और खुशबू धनिया यही है, यही है हाँ। मतलब जो जरा गंद भी निकलता है ना यही है, लोकल होने से भी दिस ऑर्गेनिक वेरी ऑर्गेनिक फ्रूट, अरे वेजिटेबल ये वेजिटेबल होगा ना, क्या हर्ब्स होता है। तो गाइस हम वहां से निकल चुके हैं, तो काफी रास्ता खराब होने के कारण जल्दी जाएंगे क्योंकि अंधेरा में जाएंगे तो हम क्या होंगे गिर जाएंगे ना, तो इसलिए हम जल्दी निकलेंगे। तो गाइस ये भी नया एक्चुअली ये जो है ये नया कटिंग है इसलिए काफी कीचड़ है, तो यहाँ से भी देखो काफी कीचड़ कीचड़ हो के, तो वहाँ दोनों जा रहे हैं। तो गाइस हम लोग घर पहुँच के आपको बात करते हैं। तो गाइस अभी अभी घर पहुंची हूँ, तो साथ में निजुम भी है, तो निजुम को मैं दूध पिला रही हूँ। देखो निजुम 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 हाय करो हाय। तो गाइस घर पहुंचने के बाद देखो अनारस काट दिया है भाई ने, काफी मीठा है गाइस। काफी टेस्टी है। तो गाइस नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे तो अगर बड़े हो जाएंगे तो हम जरूर लेके आएंगे गाइस। तो गाइस घर पहुंच गए हैं, तो जो पपीता लेके आए थे उसे हम बनाएंगे। तो गाइस ये पपीता हम बनाएंगे अभी, इसे हम छिलेंगे, छिलके टेस्टी से दाल के साथ में बनाएंगे, काफी मजा आएगा क्योंकि ये अभी लोकल ऑर्गेनिक है ना गाइस, तो इसमें ना मेडिसिन है इसलिए कि ये बहुत टेस्टी होंगे खाने में। तो गाइस देर नहीं करते हुए हम जल्दी बना लेते हैं, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करेंगे। हे गाइस तो मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, तो अभी हम स्कूल के अंदर जाएंगे तो टीचर को बात करेंगे, देखते हैं क्या होते हैं, तो या फिर उसके बाद बात करके आते हैं मैं। तो गाइस हम स्कूल पहुँच गए हैं, तो पहुँचने के बाद अभी हम बात करेंगे टीचर को, तो देखते हैं क्या कहते हैं, इसलिए मैं बाहर वेट कर रही हूँ उसी का, अगर बुलाते तो हम जाएंगे। तो गाइस स्कूल देखो ये है प्राइवेट स्कूल अरुणाचल विले, एक्चुअली अभी काफ़ी छुट्टी हो गई है, सब स्टूडेंट चले गए ना, तो यहाँ टोनी और मैं आई हूँ, देखते हैं क्या होते हैं। ठीक गाइस तो मैं निकल रही हूँ बात करके, अभी टीचर को बात करके अभी निकल रही हूँ मैं, तो यहाँ टोनी भी गाड़ी स्कूटी
वो कर रहे हैं। तो अभी हम जाएंगे सीधा पिताजी के वहाँ, पिताजी के वहाँ जाकर बात करेंगे पिताजी को। ठीक गाइस, तो अभी अभी हम मम्मी के यहाँ पहुँच गए हैं, तो थोड़ा रेस्ट करें। तो मम्मी भी यहाँ खाना खा चुके हैं। अम्मा ही करो, अम्मा इन्हें का करो। काफ़ी बुरी हो गई है मेरे मम्मी, और साथ में टोनी भी है। तो गाइस यहाँ में रेस्ट करके अभी थोड़ी देर में दोस्त के वहाँ जाएंगे, तो वहाँ भी कुछ काम है एक्चुअली। तो यहाँ पे एक्चुअली बाबू का पेन ये रह गए थे, तो इसे मैं देने जाऊंगी, और कुछ काम था वहाँ पे, तो वो भी करके जाएंगे हम। तो गाइस पिताजी के पास खाना वाना खा के मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे भाभी के घर में। तो मैंने देखान के लिए चिप्स लिया है, घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो इसी के लिए मैंने दो चिप्स लिया है। एक्चुअली कुछ काम से आए थे मैं यहाँ, तो वहीं से अभी मिलके बातें करके जाएंगे, क्योंकि भैया भी बीमार है। तो यहाँ तो नहीं हम दोनों, तो यहाँ का नज़ारा देखो गाइस। हमारा नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर पहाड़ों में ही घर होता है, तो वो रहा घर। वो नीचे इसको बंद करो, देखो इसे खुला रखो, यहाँ में देखो, यहाँ में देखो, आग मारो, आग मारो, यहाँ में देखिए करो। इसको इसको ऐसे खुला रखो, देखो तनाव धोखा है। ये देखो, ये खुला, ऐसे इसको, ऐसे ऐसे करो, हाँ इसको मारो, ऐसे मामा। तो गाइस तो ठंडा मंडा पी के अभी हम जा रहे हैं, तो बातचीत भी कर लिए हैं, तो साथ में भाभी भी है, जो कि भाभी आगे जा रहे हैं और टोनी। तो गाइस अभी हम सीधा जाएंगे नहा लगन, क्योंकि निजुम को छोड़ के आए हैं ना। भाभी हाय करो, हाय, अच्छा से जाओ, आती गेता तब भाई। तो गाइस निकलते हैं हम लोग, क्योंकि मौसम कभी भी ख़राब हो सकते हैं ना, काफ़ी थक गई है। तो गाइस मैं नहा लगन पहुँच गई हूँ, पहुँचने का लिया से अभी 20 मिनट लेंगे, काफ़ी पुराना लग रहा है पर हो जाएंगे। तो गाइस मीट लेके अब हम सीधा जाएंगे घर, तो मैंने सब्जी वब्जी भी ले लिया है, तो क्या क्या लिया है मैं घर जाके बताऊंगी आप लोगों को। देखो निजुम, तो गाइस हम घर पहुंच गए हैं, तो बेचारा निजुम भी, मम्मा अबू, मम्मा एंड मी। हटो तो हटो, गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं में ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।